इसराइल पर हमले को लेकर ईरान की टॉप लीडरशिप दो खेमों में बट गई है। ईरान के सुप्रीम कमांडर ने कहा कि अगर इसराइल पर हमला नहीं किया गया तो खुदा का कहर टूटेगा। वहीं ईरान के राष्ट्रपति इसराइल पर हमले के पक्ष में नहीं। आयतुल्ला खामनाई का बयान ऐसे वक्त आया है जब ईरान में युद्ध का शोर चरम पर है। खामनाई ने कहा कि किसी भी तरह से इसराइल के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। इस बीच ईरान के सपोर्ट वाले हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बारूदी जखीरे की नुमाइश हो रही है। कोई ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की पावर दिखा रहा है। खामनाई ने यह भी कहा कि आज कुछ सरकारें अपने देश की ताकत के बारे में सोचे बिना कुछ प्रमुख शक्तियों के आगे झुक जाती हैं। अगर वो अपने लोगों की ताकत का इस्तेमाल करें तो दुश्मन को कड़ा मुकाबला दे सकते हैं। इसी के बाद वॉर वाले वीडियो की तादाद बढ़ गई। कई सोशल मीडिया अकाउंट ऐसे हैं जिन पर ईरान की वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें जारी की जा रही हैं। अमेरिका को ताकत दिखाने के लिए पुराने वीडियो रिलीज किए गए हैं। बार बार बताया जा रहा है कि ईरान अपनी ताकत बढ़ा रहा है। जंप जेट से लेकर एआई कंट्रोल वाले ड्रोन और हैवी डिस्ट्रॉयर्स के साथ हाई स्पीड मिसाइल की डील फाइनल स्टेज में है। जानकारी तो ये भी दी गई कि ईरान को जल्दी रूस से MI-17 हेलीकॉप्टर्स मिलने वाले हैं, लेकिन ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति पजरकियान सीधे हमले वाले ऑप्शन के साथ नहीं जाना चाहते। ईरान की सेना IRGS अपने सुप्रीम लीडर खामनाई के आदेश के मुताबिक इसराइल पर सीधा अटैक करना चाहती है, लेकिन ये हमला कब और कैसे होगा इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई। ABP News, आपको रखे आगे।